दोस्तों, देश आज़ाद होने के पहले बंगाल मात्र एक आम राज्यों के जैसे ही था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा होने के बाद बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल, जिसमें ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसे पाकिस्तान को दे दिया गया और वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया में रह गया। और जो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और जो हमारे पास रह गया उसका नाम वेस्ट बंगाल हो गया। और जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ, तब वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ और इंडिया के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और अंत में भारत जीत गया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान भी भारत के हाथ में आ गया और उसने खुद को पाकिस्तान से अलग बना दिया और अपना नाम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश रख दिया। लेकिन जो भारत के पास पश्चिमी हिस्सा था वो वेस्ट बंगाल के नाम से आज जाना जाता है।